हे एवरी वन वेलकम टू द चैनल अगर आप लोग एयरफोर्स नेवी या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्लास ट्वेल्थ के बाद जी हाँ जस्ट क्लास ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से ऐसे डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं जिसको आप लोग दे सकते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया होता है आपके सारे सपने पूरे होंगे डिफेंस में जाने के चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसे आप लोग दे सकते हैं सबसे पहला एग्ज़ाम है इंडियन मेरी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए पी होना कंपलसरी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है और साथ में सिक्सटी परसेंट मार्क्स भी होने चाहिए तभी आप लोग इस टेस्ट को दे पाओगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने इंजीनियरिंग के बारे में बताया था कि आप लोग कहाँ कहाँ से इंजीनियरिंग अपनी कर सकते हैं तो वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया था इसके लिए आपको ट्वेल्थ में सेवेंटी परसेंट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और साथ में इंग्लिश में फिफ्टी होना चाहिए क्लास टेंथ में और ट्वेल्थ में फिफ्टी परसेंट होना कंपलसरी है साथ में आप लोग की जेई में रैंक जरूर होनी चाहिए यानी कि आपको जे का एग्ज़ाम दिया होना ज़रूर चाहिए ठीक है जेई का एग्ज़ाम कंपलसरी है थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं टी इसमें बच्चों जॉब होती है हमारी लेफ्टिनेंट की कर्नल की उनकी जॉब्स होती हैं ठीक है यानी कि आप लोग ये सर्विस कर सकते हो अगर आप लोग टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्ज़ाम देते हो तो इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है ट्वेल्थ क्लास होनी चाहिए साथ में सेवेंटी परसेंट पी में होना चाहिए और आपकी जो एज है वो साढ़े सोलह से साढ़े उन्नीस के बीच में ही होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए ना साढ़े उन्नीस से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में इसका बता दूँ टी का जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस पे होता है सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन है वो तभी अप्रूव होगा जब आपके कम से कम सेवेंटी परसेंट मार्क्स होंगे जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपके पास एक लेटर आता है देन उसका बाद आप लोगों का एस एस बी होता है एस एस बी के बाद आप लोगों की जॉइनिंग वगैरह या प्रैक्टिस जो भी होती है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट है हमारा एन डी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी अगर हम लोग एन डी ए की बात करें तो एन डी ए में हमारा आर्मी एयरफोर्स और नेवी ये तीनों आते हैं और साथ में नेवल एकेडमी में टेन प्लस टू पर आप कैडिट एंट्री ले सकते हो कैडिट एंट्री का मतलब अगर आप लोग स्कूल में एनसीसी में रहे हो और आपके पास ए बी सी या इन तीनों ग्रेड में से कोई सा भी अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए हुए आप लोग की डायरेक्ट वहाँ पर एस के लिए जो है वो बुला लिया जाएगा और साथ में क्या चाहिए साथ में टेन्थ प्लस टू जो है वो फि फी, उसमें फ़िज़िक्स और मैथ जरूर होना चाहिए यानी कि आपने जो टेंथ प्लस टू मीन्स ट्वेल्थ जो करी है उसमें फिज़िक्स और मैथ कंपलसरी है ठीक है अगला है हमारा इंडियन नेवी इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन की जॉब आप कर सकते हो इसके लिए आपको खाली क्लास टेंथ क्वालिफाई होना चाहिए ये इन जॉब्स के बारे में यानी कि इन सर्विसेज के बारे में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वेबसाइट जो हेल्प करेगी वो है सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट पे आप लोग जाइए और आप लोग वहाँ पे देखते रहिएगा वहाँ पे जॉब्स इस तरीके की आती रहती हैं और साथ में दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में और मैं आप लोगों को बताने वाला अब दो स्पेशल सर्विसेज के बारे में आप लोग जान लीजिए पहला है हमारा इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स में दो ग्रुप में होती है सर्विस एक होती है ग्रुप एक्स और एक होती है ग्रुप वाई ग्रुप एक्स को हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग ब्रांच भी हम लोग कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी यानी कि वाई वाले जो होते हैं वो ग्राउंड ड्यूटी करते हैं ग्रुप एक्स वाले जो है वो फ्लाइंग स्क्वाड में आते हैं यानी कि फाइटर प्लेन्स को उड़ाने में और इसके लिए आपको टेन प्लस टू चाहिए मैथ्स होनी चाहिए फिजिक्स होनी चाहिए इंग्लिश होनी चाहिए और तीनों में फिफ्टी परसेंट तो होना ही कम से कम चाहिए तभी आप लोग इसे अप्लाई कर पाओगे अप्लाई करने के बाद क्या होता है आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होता है रिटर्न टेस्ट होने के बाद आप लोगों का इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है उसी के बाद आप लोगों को आगे प्रोसीड किया जाता है ग्राउंड ड्यूटी में ग्रुप वाई में टेन प्लस टू फिफ्टी परसेंट होना चाहिए और इंग्लिश में भी फिफ्टी परसेंट होना चाहिए ठीक है देन लास्ट वन इज़ इंडियन नेवी नौसेना नौसेना में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर एक होता है एस पोस्ट एक होता है डबल ए पोस्ट एस मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्यूरेट और इसके लिए आपको टेन प्लस टू चाहिए टेन प्लस टू के साथ मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए यानी कि ट्वेल्थ आपने मैथ और फिजिक्स से करी होनी चाहिए और सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि डबल ए के लिए हमें टेन प्लस टू चाहिए उसमें सिक्सटी परसेंट होने चाहिए और मैथ और फिजिक्स में यानी कि मैथ और फिजिक्स आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए और टेन प्लस टू यानी कि ट्वेल्थ में आपके सिक्सटी परसेंट मार्क्स होनी चाहिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी आप लोग चैनल पर जाके कर प्ले में देख सकते हो करियर काउंसलिंग में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो नर्सिंग करना चाहते हो कोई सा भी कोर्स करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस होने वाली है और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दी